बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नथिया गली, एबटाबाद। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट एनिमल्स, यानी किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम लोग सीक्वेंशियल ऑर्डर में डिफरेंट फाइलम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन फाइलम्स में से आज जो हम लोग फाइलम डिस्कस करेंगे वो है फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का का सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन। दी वर्ड मोलस्का डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोन एज मोलस्कस। मोलस्कस का जो वर्ड है इट मीन्स दैट सॉफ्ट बॉडी। Simply means that the typically phylum mollusca includes those organisms which having physically soft appearance and soft body. अब हमारे पास phylum mollusca का जो word है molluscus means soft body, ये आपके पास एक ऐसा phylum है which is second largest phylum of invertebrates. कि invertebrates में ये आपके पास on the basis of diversity second largest phylum है, because the first largest phylum is arthropoda. जो first largest phylum है वो आपके पास है arthropoda, जबकि second largest phylum mollusca. Why second largest phylum? Because of diversity, and in diversity both type of species include or present in phylum mollusca that are living as well as fossil both. Living species of phylum mollusca today round about 80,000 species, while the fossil species are round about 35,000 species. तो हमारे पास phylum mollusca में दोनों तरह की species living as well as fossil, जिसमें से 80,000 living while the 35,000 fossil species हैं। अब अगर हमारे पास phylum mollusca की अगर आप classification देखें, तो वैसे तो टिपिकली फाइलम मोलस्का क्लासिफाइड इनटू सिक्स मेजर क्लासेस। व्हाइल अमंग दीज सिक्स मेजर क्लासेस द थ्री क्लासेस आर मेजर। नंबर वन गैस्ट्रोपोडा, आल्सो नोन एज यूनिवॉल्विया। नंबर टू पेलिसिपोडा, आल्सो नोन एज बायवॉल्विया। एंड नंबर थ्री सिफलोपोडा। तो इसकी ये सिक्स में से थ्री मेजर क्लासेस गैस्ट्रोपोडा और यूनिवॉल्विया की एग्जांपल है। हेलिक्स एस्पर्सा, यानी कॉमनली नोन एज गार्डन स्नेल या स्नेल गार्डन। नंबर टू लिमिक्स, कॉमनली नोन एज स्लग। द पेलिसिपोडा मींस दैट द मेंबर्स इंक्लूड्स एनोडोंटा which are commonly known as freshwater mussels, or osteria ya ostrea, which are known commonly known as oysters, while the cephalopoda includes sepia and octopus both. Ab sepia jo hai wo aapke paas commonly known as cuttlefish, aur octopus to common iski example hai. अब हमारे पास जर्नल करेक्टरिस्टिक्स में से जब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डाइवर्सिटी की, तो ऑलरेडी हमने बात की 80,000 प्लस 35,000, यानी कि ऑलमोस्ट इसकी तकरीबन जो है वो हमारे पास 1,25,000 या 15,000 स्पीशीज हैं राउंड अबाउट। हैबिटेट में बोथ एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज है बॉडी वॉल सिमेट्री और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बॉडी वॉल में ये आपके पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ साथ ऑटोमेटिकली ये सिलोमेट, और सिलोमेट में से इंटरेस्टिंग बात ये कि दीज
सिलोमेट्स बिलोंग्स टू प्रोटोस्टोमिस ऑर्गेनिज्म। आप याद करें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमेलिया में टू टाइप ऑफ सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म्स को डिस्कस किया था, प्रोटोस्टोमिस एंड ड्यूट्रोस्टोमिस या प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम ऑर्गेनिज्म। तो उनके हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल से डिस्कस किया। तो हमारे पास फाइलम मोलस्का ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एज वेल एज टू सिलोम, यानी सिलोम प्रेजेंट, दीज आर सिलोमेट्स। वाइल अमंग सिलोमेट्स दीज आर प्रोटोस्टोमिस ऑर्गेनिज्म। बायोलेटरल सिमिट्री होगी, इनकी बॉडी पार्ट्स या स्ट्रक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल बॉडी पार्ट इज डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर पार्ट्स। नंबर वन हेड, नंबर टू विसरल मेस एंड नंबर थ्री फुट। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले इसका हेड। जब आप इसके हेड की बात करेंगे तो हेड में हमारे पास इसके सेंस ऑर्गन यानी कि पेपिलाय प्लस आईज और इसका माउथ होगा। याद रखना है हेड ऑर्गन कंटेंस सेंस ऑर्गन यानी एंटीना और पेपिलाय, आल्सो आईज एज वेल एज माउथ। द माउथ ऑफ जहां पे जो हम लोग करेक्टरिस्टिक्स जर्नल डिस्कस करेंगे वो गैस्ट्रोपोडा यानी हेलिक्स एस्पेरसा की है, यानी कॉमनली स्नेल की है। तो स्नेल की जब आप बात करेंगे तो माउथ के साथ जो अंदर इसमें ये इसकी ओपनिंग होगी माउथ, माउथ में जो बकल कैविटी या ओरल कैविटी में टंग होगी उसे कहा जाएगा रेडियुला। ये बात आपने याद रखनी है कि इसके हेड में जो इसका माउथ होगा वो आपके पास कंटेन करेगा टंग, स्पेशल हमारे पास लैप्सिंग टंग को जिसे कहा जाता है रेडियुला। ये रेडियुला जो है ये प्रीडेटर टंग होती है जो कि हेल्प करती है इन ट्रैपिंग एंड कैचिंग ऑफ इंसेक्ट्स में। उसके बाद इसके माउथ में हार्नी टीथ्स होंगे यानी स्पाइनी टीथ्स होंगे, ट्रू टीथ्स नहीं होंगे बल्कि स्पाइनी टीथ्स होंगे। नेक्स्ट नंबर पे विसरल मैस, ये विसरल मैस जो है ये इसका इंटरनल कैविटी है जिसके अंदर हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन विसरल मैस के ऊपर हमारे पास जो है यहां पे कैविटी डेवलप्ड होगी जिसका नाम होगा मेंटल और मेंटल कैविटी। मेंटल बेसिकली लेयर को कहा जाता है और कैविटी का नाम होगा मेंटल कैविटी। ये मेंटल कैविटी जो है बेसिकली आपके पास इसकी बॉडी वॉल और इसके ऊपर जो लेयर है मेंटल, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी उसे कहा जाएगा मेंटल कैविटी। द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी। इस कैविटी में मेंटल कैविटी में हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे लाइक इसमें एनस की ओपनिंग होगी, लाइक इसमें गिल्स ओपनिंग होंगी, लाइक इसमें किडनीज की प्रेजेंस होंगी। तो ये आपके पास मेंटल कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली ये जो मेंटल है ये सिग्रीशन करके जो ऊपर शेल की कंपोजिशन होगी वो भी आपके पास बनाएगी। तीसरे नंबर के इसके बॉडी पार्ट्स में हमारे पास होगा इसका मस्कुलर फुट जिसकी वजह से इसकी बेली को, इसकी बेली के रोल इन मूवमेंट की वजह से इस ग्रुप का नाम ही होगा गैस्ट्रोपोडा, यानी कि बेली मसल्स एक्ट एज अ फुट फॉर लोकोमोशन और मूवमेंट। अब नेक्स्ट नंबर पे अगर हम इसके सिस्टम्स की बात करें तो सिस्टम्स में सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंटेन थ्री पेयर ऑफ गैंग्लिया इन ऑरेंज कलर एंड दीज गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय द नर्व कॉर्ड्स विद बॉडी। ये जो थ्री पेयर ऑफ गैंग्लिया हैं सेरिब्रल गैंग्लिया हेड रीजन में होंगे, ये आपके पास कनेक्टेड होंगे थ्रू नर्व कॉर्ड विद बॉडी, के बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नर्व्स के जरिए नर्व कॉर्ड के जरिए गैंग्लिया कंट्रोल करेगा। दूसरे नंबर पे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होगा माउथ से,
माउथ में जो टंग होगी रेडुला, माउथ में फेरिंग्स के बाद जो स्टोरेज पोजीशन होगी कार्प, उसके बाद इंटरेस्टिंग है स्टोमिक, फिर स्टोमिक के बाद इसमें ये इंटेस्टाइन और फाइनली इसमें होगा एनस। लेकिन चूंकि इसमें केमिकल डाइजेशन के लिए साथ अटैच्ड होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक दफा दोबारा देख लें। स्टार्ट फ्रॉम माउथ, देन द टंग विल बी रेडुला विद हॉर्नी टीथ, देन कार्प फॉर द स्टोरेज एंड स्टोमिक, देन फाइनली इंटेस्टाइन वेयर केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू डाइजेस्टिव ग्लैंड, एंड फाइनली वेस्ट मटीरियल रिमूव थ्रू एनस एंड मेंटल कैविटी। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंपोज बाय निफ्रिडिया या पेयर ऑफ निफ्रिडिया और किडनी विच आर लोकेटेड इन मेंटल कैविटी। यहां पे हमारे पास पेयर ऑफ किडनी से जो है वो सॉरी पेयर ऑफ निफ्रिडिया से बना हुआ किडनी होगा जो कि लोकेटेड होगा इन मेंटल कैविटी। जबकि रिस्पायरेशन इसमें टू टाइप्स की होगी, मोस्टली थ्रू गिल्स एंड इन सम स्पीशी लंग्स में आल्सो प्रेजेंट, एंड द गिल्स आर आल्सो लोकेटेड इन मेंटल कैविटी। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि गिल्स जिनके जरिए जो है वो रिस्पायरेशन होगी तो वो आपके पास लोकेटेड होंगी गिल्स मेंटल कैविटी में। हाँ, यहां पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिस्पायरेटरी जो पिगमेंट होगा वो होगा हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज अ कैल्शियम कंटेनिंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट विच इज 3 times मोर एक्सेसिव या एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट टू ऑक्सीजन देन हीमोग्लोबिन। तो कुछ हमारे पास मोलेस्कस में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होगा वो हीमोसाइनिन ब्लूइश कलर का इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड कलरलेस इन डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म पिगमेंट होगा, जिसकी 3 times मोर एफिशिएंट प्रॉपर्टी है या कि कैपेबिलिटी एफिनिटी है विद ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। जहां तक बात है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इन फाइलम मोलेस्का में भी आर ऑफ 2 types, ईदर ओपन आर क्लोज। सिंपल सी बात है, इन गैस्ट्रोपोडा एंड पेलिसीपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी ओपन, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द फ्लूइड विल बी प्रेजेंट इन अ कैविटी नोन एज हीमोसील। और यहां पे जो हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोसील की वजह से सीलोम होगी रिड्यूस्ड। अब हमारे पास यहां पे जबकि सिफलोपोडा जो इसकी क्लास है उसमें होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना है इन मोलेस्का बोथ टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर प्रेजेंट, ईदर ओपन आर क्लोज्ड। इन गैस्ट्रोपोडा एंड पेलिसीपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी ओपन, वाइल इन सिफलोपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी क्लोज्ड। वाइल द हार्ट आर मे बी 2 or 3 chambered, इनका जो हार्ट होगा हार्टलेट अब में भी आर 2 or 3 chambered। इन बोथ केसेस इधर हार्ट इज 2 or 3 chambered, दिस वेंट्रिकल विल बी ऑलवेज सिंगल। वेंट्रिकल ऑलवेज सिंगल, इधर द हार्ट चैम्बर्स आर 1 or 3 या 2 or 3, वाइल द वेंट्रिकल मे बी 1 or 2। व्हेन द हार्ट आर 2 chambered, देन 1 ventricle and 1 auricle, वाइल हार्ट इज 3 chambered, देन द सिंगल वेंट्रिकल बट आरिकल मे बी 1 or 2। द सपोर्ट सिस्टम मे बी एक्सटर्नल इन फॉर्म ऑफ शेल और मे बी इंटरनल। याद रखना है इन गैस्ट्रोपोडा विच इज नोन एज यूनिवोल्वी ऑल्सो मीन्स दैट द एक्सटर्नल स्केलेटल सिस्टम शेल विल बी प्रेजेंट एंड द गैस्ट्रोपोडा नोन एज यूनिवोल्विया बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ शेल बाय सिंगल यूनिट। वाइल इन केस ऑफ पेलिसीपोडा यानी बायवोल्विया एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम शेल प्रेजेंट विच कंपोज बाय द 2 units, देयरफॉर पेलिसीपोडा आल्सो नोन एज बायवोल्विया।
तो ये बायवॉल्विया को बायवॉल्विया और यूनिवॉल्विया को यूनिवॉल्विया इसलिए कहा जाता है कि इनमें एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होगा जो कि शेल की फॉर्म में होगा। जब ये सिंगल होगा तो यूनिवॉल्विया, जब सिंगल यूनिट से बना होगा गैस्ट्रोपोडा में तो यूनिवॉल्विया, और जब टू यूनिट से बना होगा पेलिसीपोडा में तो हमारे पास ये होगा बायवॉल्विया। सिमिलरली जो हमारे पास गैस्ट्रोपोडा क्लास है उसमें सपोर्ट सिस्टम यानी कि जो इनका स्केलेटल सिस्टम होगा वो शेल एब्सेंट होगा और इंटरनल सपोर्ट सिस्टम होगा। जबकि सिफलोपोडा में हमारे पास जो लोकोमोशन होगी, इसका नाम ही सिफलोपोडा इसलिए है, जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल ऑक्टोपस आप सब ने देखी है जिसमें इसके पोडिया यानी इसके फीट एसोसिएटेड विद हेड, देयरफॉर दिस क्लास इज नोन एज सिफलोपोडा। तो इसमें मूवमेंट जो है वो सिफलोपोड्स की वजह से, गैस्ट्रोपोडा में मस्कुलर फुट की वजह से, और पेलिसीपोडा यानी बायवॉल्विया में मोस्टली जो है वो आपके पास सेसाइल या नॉन मोटिलिटी होगी। जहां तक बात है रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में दीज आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मींस दैट मेल एंड फीमेल विल बी सेपरेट, एक्सटर्नल सेपरेट। द गोनेड्स आर वेल डेवलप्ड, इन केस ऑफ टेस्टिस दीज आर व्हाइटिश व्हाइल द ओवरी विल बी रेडिश। तो याद रखना है कि यहां पे वेल डेवलप्ड गोनेड्स होंगे टेस्टिस एंड ओवरीज की फॉर्म में, जिनकी आइडेंटिटी ये है कि टेस्टिस जो है वो व्हाइटिश अपीयरेंस में जबकि ओवरी जो है वो रेडिश अपीयरेंस में होगी। हाँ, हमारे पास ये यूनिसेक्सुअल तो हैं लेकिन इनमें सेक्स या कपुलेशन नहीं होगी बल्कि फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगी। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहां पे मेंटल कैविटी में यानी गिल्स में मोस्टली यहां पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। इनमें जो डिवेलपमेंट होगी या तो डायरेक्ट होगी विदाउट मेटामॉर्फोसिस या तो लार्वल स्टेज होगा विच इज कॉमनली ग्लोकिडियम। बाज बुक्स में ट्रोकोफोर भी लिखा होगा लेकिन कॉमनली ग्लोकिडियम लार्वल स्टेज होगा। तो यहां तक थे जनरल करेक्टरिस्टिक्स या जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। जहां तक बात है इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में देयर शेल में भी यूज एज फॉर ऑर्नामेंटल पर्पज इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ज्वेलरीज, में भी यूज एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से जो बना हुआ शेल होगा तो इसमें डिफरेंट मिनरल्स होंगे जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स यानी एलियोपैथी या यूनानी मेडिसन्स में यूज की जाती है। इसके अलावा इसका जो पैरासिटिक जो है वो आपके पास मेंबर है ट्रीडो, तो ट्रीडो जो है उसको दूसरा नाम दिया जाता है शिपवर्म ट्रीडो। ट्रीडो आल्सो नोन एज शिपवर्म, ये आपके पास पानी में मोस्टली होता है और पानी में जो शिप्स होती हैं उनमें जो है ये आपके पास होल क्रिएट कर देता है, सिंपली ये आपके पास शिप रप्चर करता है। यहां तक था हमारे पास फाइलम मोलस्का। होपफुली आपकी लर्निंग हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो इंशाल्लाह लजीज पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।